सच आपको बता रहे हैं। EFI के ठिकानों पर छापेमारी पड़ी और ये बड़ी कार्रवाई, ये ताबड़तोड़ कार्रवाई, अब तक 20 लोगों को हिरासत में लिया गया है। राजस्थान से 2, तमिलनाडु से 10 लोग हिरासत में लिए। 106 लोगों को हिरासत में लिया गया अब तक। आंध्र प्रदेश से 5, दिल्ली से 6, कर्नाटक से 20 लोगों को हिरासत में लिया गया है। लखनऊ की अगर बात करें, उत्तर प्रदेश की राजधानी इंदिरा नगर से एक संदिग्ध की गिरफ्तारी भी हुई है। संदिग्ध वसीम ने नदवा कॉलेज से पढ़ाई की है। वसीम इसके पहले CAA NRC मामले में भी जेल जा चुका था। 5 महीने पहले जमानत पर बाहर आया था। इंदिरा नगर से एक संदिग्ध व्यक्ति की गिरफ्तारी का मामला। संदिग्ध वसीम ने नदवा कॉलेज से पढ़ाई की है, जहां पर अभी सर्वे हुआ था। वसीम इसके पहले CAA NRC मामले में भी जेल जा चुका था। प्रदर्शन को लेकर 5 महीने पहले जमानत पर बाहर आया था वसीम। चिन्हट इलाके में वसीम का एक घर है और वसीम ने एक बार पाकिस्तान का झंडा फहराने की मांग की थी। गाजीपुर थाने से पाकिस्तान का झंडा फहराने की मांग की थी इस व्यक्ति ने। तब गाजीपुर पुलिस ने इस वसीम नाम के व्यक्ति को हाउस अरेस्ट कर लिया था, नजरबंद कर दिया था। तो हालांकि ये पूछताछ लगातार चल रही है, संदिग्ध की गिरफ्तारी का मामला, और नदवा कॉलेज से इस व्यक्ति ने पढ़ाई की है। CAA और NRC के मामले में इससे पहले जेल जा चुका है और चिन्हट इलाके में इसका घर है। इससे पहले इसने एक बार पाकिस्तान का झंडा फहराने की मांग की थी, जिसके बाद गाजीपुर की पुलिस ने वसीम को हाउस अरेस्ट कर लिया था। तो संदिग्ध को गिरफ्तार किया गया लखनऊ के इंदिरा नगर से। 5 महीने पहले जमानत पर बाहर आया था ये व्यक्ति वसीम, इसका नाम बताया जा रहा है और आगे की जो पूछताछ है वो लगातार की जा रही है। लेकिन जिस तरीके से इसको पकड़ा गया है, बहुत सारे सवाल अपने आप में कि ये जिस तरीके से लखनऊ जैसी राजधानी में रह रहा था, इसके क्या कॉन्टेक्ट है, इसका नेटवर्क कितना बड़ा है, इसको लेकर भी पूछताछ लगातार की जा रही है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि इसने नदवा कॉलेज से पढ़ाई की है। इससे पहले CAA और NRC मामले में भी इसको जेल भेजा जा चुका था और 5 महीने पहले ही जमानत पर बाहर आया वसीम। चिन्हट इलाके में वसीम का एक घर बना हुआ है। वसीम ने एक बार पाकिस्तान का झंडा फहराने की मांग की। लखनऊ से बड़ी खबर, इस व्यक्ति से पूछताछ लगातार की जा रही है। लखनऊ के इंदिरा नगर इलाके से इस संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है और नदवा कॉलेज से ये पढ़ाई कर चुका है। इसके पहले CAA और NRC मामले में जेल जा चुका था और 5 महीने बाद जब इसे जमानत मिली, उसके बाद ये जमानत पे बाहर आया। और अब जिस तरीके से ये बड़ी जानकारी निकल कर सामने आ रही है, पूछताछ इससे लगातार चल रही है कि इसका कहां तक नेटवर्क फैला हुआ है, इसके संपर्क में और कौन कौन ऐसा व्यक्ति था जो अब कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो वाराणसी, लखनऊ, बहराइच, बाराबंकी से 8 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा PFI के ठिकानों पर लगातार एक्शन जारी है और कहा जा सकता है कि आतंकवाद से जुड़ी हर एक गतिविधि पर ATS की कड़ी नजर है। और लखनऊ से आज एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस पूछताछ लगातार कर रही है। 13 राज्यों में लगातार PFI यानी कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के कई ठिकानों पर छापेमारी हुई है और NIA और ATS ने आज वसीम नाम के एक व्यक्ति को लखनऊ के इंदिरा नगर इलाके से गिरफ्तार किया है। इससे पहले CAA और NRC मामले में जेल भी जा चुका था ये संदिग्ध। 5 महीने पहले जमानत पे बाहर आया है और पाकिस्तान का झंडा बुलंद करने की इसने मांग भी की थी। तो NIA और PFI के जो खिलाफ जो कार्रवाई है वो लगातार चल रही है। 10 राज्यों में छापा पड़ा है, केरल, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश के कई जिलों में NIA की छापेमारी, और अब तक करीब 100 लोग शिकंजे में आए हैं।
यूपी में एनआईए और एटीएस की ताबड़तोड़ छापेमारी, चार टीमें इस वक्त यूपी में लगातार छापेमारी कर रही है। लखनऊ, नोएडा, वाराणसी में भी इसके अलावा छापा पड़ा है। लखनऊ से एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया गया। पहले से ही लगातार इस बात की जो आशंका थी वह सच साबित हो रही है कि सिमी जो एक राज विरोधी गतिविधियों में संलिप्त रहने वाला संगठन था, उसी का बदला हुआ रूप पीएफआई है। आज की जो भी छापेमारी है वह एनआईए के माध्यम से की जा रही है और देश विरोधी कोई भी गतिविधि न प्रदेश में और न देश में अब स्वीकार नहीं की जा सकती। जो ऐसी गतिविधि का हिस्सा होंगे उनको पकड़ना, यह जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, जांच एजेंसियां हैं, उनका दायित्व, वह काम हो रहा है, लेकिन बाकी उसके बारे में डिटेल जिन एजेंसियों के माध्यम से छापा पड़ रहा है वो बताने का काम करेंगे। पीएफआई आज एक आतंकवादी संगठन है जो भारत विरोधी काम करता है। पूर्णिया को उसने अपना सेंटर बनाया है, फुलवारी शरीफ में पकड़े गए, उसकी प्लानिंग आपने देखा सुना कि वो भारत को पहले ही मुस्लिम राष्ट्र बना देना चाहता 1947 के पहले। तो जो इतना बड़ा कुकृत्य करता हो, फंड इकट्ठा करता है, भारत के खिलाफ आंदोलन करता है, भारत के जनमानस को भड़काता है, तो ऐसे संस्थानों पर अगर कार्रवाई हो रही है, दुर्भाग्य है जब फुलवारी शरीफ में पीएफआई पर छापे पड़े तो जो पुलिस का वक्तव्य आया था वो निराशाजनक आया था। उसे सांस्कृतिक संगठन बताने की कोशिश की। सकते हैं आप देश के अलग अलग जगहों से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी कि एनआईए की जो ताबड़तोड़ छापेमारी है वो लगातार जारी है। तीन शहरों की, देश के अलग अलग हिस्सों की ये तस्वीरें। लखनऊ में भी एक संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, पूछताछ चल रही है। हैदराबाद में भी एनआईए ने छापेमारी की है, कई संदिग्धों को यहाँ से पकड़ा गया है। इसके अलावा चेन्नई में भी छापेमारी की जा रही है और लगातार इस बात को खंगाला जा रहा है कि ये जो संदिग्ध है, ये जो संदिग्ध लोग हैं, इनका नेटवर्क कहां कहां से है, कौन कौन लोग इनके कांटेक्ट में हैं और इनकी पैठ कितनी जमाई जा चुकी है देश में। तो अलग अलग जगहों से ये छापेमारी की तस्वीरें निकल कर आ रही है। लखनऊ की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के इंदिरा नगर इलाके से भी एक संदिग्ध व्यक्ति जिसका नाम वसीम बताया जा रहा है, इसको गिरफ्तार किया गया है। 5 महीने पहले जमानत पर बाहर आ चुका है वसीम। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी कि पीएफआई के कई ठिकानों पर छापेमारी लगातार की जा रही है टेरर फंडिंग को लेकर, और ग्राफिक्स के जरिए अभी हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कहां से कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया। यूपी से कुल 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और देखिए इसको लेकर अलग अलग जगहों से हमारे सहयोगी भी लगातार मौजूद हैं, लगातार हम लोगों को जानकारी दे रहे हैं हमारे दर्शकों तक। संदीप खेर हमारे साथ मौजूद हैं, इसके अलावा निशान चतुर्वेदी हमारे साथ मौजूद हैं और अनूप भी हमारे साथ मौजूद हैं, इस पर जानकारियां देंगे। शुरुआत करेंगे हमारे सहयोगी संदीप का। संदीप, लखनऊ से भी एक आतंकी को पकड़ा गया है, क्या कुछ निकल कर आया अब तक? सबसे पहले जिस तरीके से आज लखनऊ के साथ साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश और कई जगहों पर छापेमारी हुई है, लखनऊ की अगर बात कर लेते हैं, देखिए जिस तरीके से एनआईए और एटीएस की एक ज्वाइंट ऑपरेशन के तहत यहां पर 2 लोगों को पकड़ा गया है। हालांकि बात जो है वो सामने 3 लोगों की आ रही है। इंदिरा नगर का सेक्टर ए है जहां से वसीम उर्फ बबलू और उसके साथ का एक साथी गिरफ्तार हुआ है। वहीं लवकुश नगर से एक आदमी को गिरफ्तार करने की बात कही जा रही है। इसमें यह है कि कई तरीके के जो इनपुट है वो इन लोगों के खिलाफ मिल रहे थे। और वसीम की अगर बात कर लेते हैं, वसीम इसके पहले भी जेल जा चुका है और ऐसा कहा गया था कि गाजीपुर थाने से इसने पाकिस्तान के झंडे को फहराने की मांग करी थी, जिसके बाद पुलिस ने इसको हाउस अरेस्ट किया था, जेल ये गया था। सीए और एनआरसी के मामले में इसने भी तमाम तरीके के
प्रदर्शन किए थे। अब तमाम चीजों को देखिए स्वाति खंगाला जा रहा है और ये जो वसीम उर्फ बबलू है इसका यहाँ पर एक छोटा सा मकान है जो मेरे पीछे आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ के लोगों द्वारा बताया जा रहा है चिन्हट में इसका एक बहुत बड़ा मकान बना है कि मतलब टेलरिंग का आखिर काम करने वालों के पास इतनी अकूत संपत्ति किस तरीके से इनके पास में आई है। ऐसे तमाम दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है और वसीम के कनेक्शन किस किस से थे, क्योंकि देखा गया है कि वसीम की जो प्रवृत्ति थी वो तमाम तरीकों से कहीं ना कहीं से कुछ मामलों में लिप्त रही है, जिसके बाद पुलिस ने तमाम अहम दस्तावेजों को भी खंगाला है। अब जिस तरीके से देखिए आज NIA और ATS इनसे पूछताछ कर रही है, उसमें ये पूछा जाएगा कि आखिर आप कहाँ पर अपने जो भी आपके मंसूबे थे किस तरीके से आप उसको आगे पूरा करना चाहते थे, लखनऊ में क्या कुछ हिस्से आपने टारगेट कर रखे थे, क्या कुछ सफेदपोश यानी पॉलिटिशियन या फिर उद्योगपति आपके निशाने में थे, लखनऊ के कुछ रिलीजियस पॉइंट आपके निशाने पे, तमाम ऐसी चीजों को लेकर इनसे बातचीत करी जा रही है। विधानसभा भी चल रही है, ऐसा कहा गया है कि इन लोगों ने कुछ दिन पहले विधानसभा की भी रेकी करी थी और ये भी सामने निकल कर आया है, सूत्रों से पता चला है कि इनके पास से कुछ विस्फोटक भी बरामद हुआ है। और इनके पिता जो है वसीम के पिता सलीम की अगर बात कर लेते हैं तो उनकी भूतनाथ मार्केट में एक टेलर की दुकान थी जहाँ पे वो जैकेट को रिपेयरिंग करने का काम करते थे। इनका एक भाई और है मुन्ना जो पहले अपने पिता के साथ बैठता था लेकिन उसके बाद गुजरात में शिफ्ट हो गया था। उत्तर प्रदेश के लखनऊ राजधानी में बहुत आराम से कई ऐसी जगह हैं जहां पर ये लोग आराम से रहते थे और कह सकते हैं कि जो मंसूबे थे उनको अंजाम देने की कोशिश भी किया करते थे। ठीक है संदीप, आपके पास मैं वापस लौटूंगी। दिल्ली से हमारे साथ हमारे सहयोगी निशांत भी मौजूद हैं। निशांत, आपके पास क्या जानकारी है, क्योंकि ATS दिल्ली में भी ये कार्रवाई लगातार कर रही है और क्या कुछ निकल कर आया है निशांत जी? स्वाति देखिए, NIA की कार्रवाई की बात कर लें तो दक्षिण भारत हो या उत्तर भारत हो लगातार ताबड़तोड़ छापेमारी जारी है। दिल्ली की बात कर लें तो 3 ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया गया जिनका नेटवर्क PFI से बताया जा रहा है। टेरर फंडिंग और जो कैंप के माध्यम से उनको ट्रेनिंग दी जाने की जो साजिश थी उसको कहीं ना कहीं नाकाम किया है और एक बड़ी एक सफलता बताई जा रही है। इसके अलावा सबसे बड़ी बात तो ये है कि दिल्ली हो या उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ हो, वहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा सक्रिय थे और 100 से ज़्यादा संख्या, अगर पूरे भारत की बात बता लें तो 11 राज्यों में छापेमारी बताई जा रही है जिसमें 100 से ज़्यादा लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। और दिल्ली की बात कर लें तो दिल्ली से 3 लोगों को इसमें गिरफ्तार किया गया है। जो नाम बताया जा रहा है वो PFI दिल्ली के अध्यक्ष परवेज हैं और परवेज के अलावा भी एक उनके साथी हैं और अन्य एक लोग जिनको यहां से गिरफ्तार किया गया। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इनके मंसूबे, जैसा कि हमारे साथी संवाददाता बता रहे थे कि इनके मंसूबे कहीं ना कहीं देश विरोधी समाज विरोधी गतिविधियों को लेकर हुआ करते थे और उनमें ही ये पूरी तरीके से सक्रिय दिखाई दे रहे थे। अब ये बातें सामने आ रही है कि जो अन्य तार भी इससे जुड़े हुए लोग होंगे, जो अन्य लोग होंगे उनकी भी धरपकड़ तेज होगी। फिलहाल दिल्ली की बात कर ली जाए तो दिल्ली से 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया जिनका नेटवर्क PFI से बताया जा रहा था। ठीक है निशांत, आपके पास मैं वापस लौटूंगी। एक बार रुक कर लेते हैं, हमारे सहयोगी अनूप भी हमारे साथ लखनऊ से मौजूद हैं। सीधा रुक लखनऊ से अनूप का। अनूप, आपके पास क्या जानकारी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में ये कार्रवाई लगातार चल रही है, लखनऊ, वाराणसी, इसके अलावा गाजियाबाद और भी ऐसे जिले हैं जहां पर संदिग्ध लोगों से पूछताछ की जा रही है। अनूप, आपको मेरी आवाज मिल रही है? हेलो जी अनूप, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल मुझे मिल रही है जी। अनूप जानकारी दीजिए। देखिए बिल्कुल, ये NIA ED और प्लस स्टेट पुलिस की जो है ये एक साथ जो है कार्रवाई की गई है, जिसमें अगर हम बात करें तो वाराणसी, गाजियाबाद, इसके अलावा लखनऊ और UP के जो अन्य जो जिले हैं वहाँ से टोटल 8 लोगों को जो है गिरफ्तार किया गया है। यानी उनको जो है सुबह जो है बताया जा रहा है कि देर रात जो है ये ऑपरेशन जो है वो टीम ने जारी किया था, जिसमें NIA ED और स्टेट पुलिस यानी जो लोकल पुलिस है वो यहाँ पे शामिल रही है। और सीधे तौर पे जो इस अभियान में जो है UP से अगर हम बात करें तो 8 लोगों को जो है हिरासत में लिया गया है। लखनऊ के इंदानगर ए ब्लॉक से वसीम को जो है NIA और ED और प्लस लेकर के गई है, उससे लगातार पूछताछ की जा रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आंध्र प्रदेश से जो है 5, यानी अगर हम 11 राज्यों की बात करें तो 11 राज्यों में जो है आंध्रा से 5 हैं, असम से 9 हैं, दिल्ली से 3 हैं, कर्नाटका से 20 हैं, केरला से 20 हैं,
और केरला से 22 लोग हैं, मध्य प्रदेश में 4 हैं, महाराष्ट्र से 20 लोग हैं, पांडुचेरी में 3 हैं, राजस्थान में 2 हैं, इसके अलावा तमिलनाडु में 10 और यूपी में 8 लोग, यानी टोटल 106 लोगों को जो है अब तक जो है गिरफ्तार किया गया है और उनसे जो है लगातार पूछताछ की जा रही है। सीधे तौर पे जो है जो इनपुट मिला था टीम को कि जो PFI है यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, इसका जो नेटवर्क है उससे जुड़े जो है तमाम जो इनपुट है वो टीम को मिले थे, जिसके बाद ये एक साथ छापेमारी की गई है और इतने लोगों को गिरफ्तार करने को उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। करप्ट फंडिंग से जुड़ा ये मामला जो है देखा जा रहा है, क्योंकि जिस तरह पहले भी हमने देखा चाहे CNRC हो उसमें किस तरह से PFI कनेक्शन जो है वो सामने आया था, जिसके बाद बड़ी संख्या में लोगों की गिरफ्तारी की गई थी और उसमें ये सामने आया था कि किस तरह से जो है। फिलहाल रोकना चाहेंगे, लोकेश हमारे साथ गाजियाबाद से मौजूद हैं और ज्यादा अपडेट के साथ। लोकेश, आपके पास क्या जानकारी है इस वक्त दर्शकों के लिए? PFI का एक बहुत बड़ा केंद्र बना है वैष्णो यूपी, और इससे पहले भी जिस PFI के कर्ता धर्ता प्रवेश की गिरफ्तारी हुई है, गिरफ्तारी करने के लिए ATS की टीम पहुंची थी, उसे खाली हाथ लौटना पड़ा है। फिलहाल टीम अभी भी गांव में रुकी है। जानकारी के मुताबिक यूपी ATS की टीम ने सुबह के समय भोजपुर थाना क्षेत्र के कलछीना में रेड की थी, इसलिए लोकल असिस्टेंस भी ली गई थी। रात के समय पर जब प्रवेश के घर वो पहुंचे तो प्रवेश के घर में महिलाओं ने उन्हें घेर लिया और कुछ गाँव के लोगों के साथ हाथापाई हुई और पीछे से प्रवेश फरार हो गया। परवेज वो शख्स है जो पहले भी मेरठ और राजस्थान से गिरफ्तार किया जा चुका है PFI के कनेक्शन के मामले में, क्योंकि उसने विवादित पोस्ट उसके घर से रिकवर किए गए थे इससे पहले। और जो कलछीना गांव है वो एक बहुत बड़ा सेंटर है, उसके पास से PFI को जो फंड किए जाने की रसीदें जो है वो रिकवर की गई थी पहले जब इसके खिलाफ कार्रवाई की गई थी। तो फिलहाल उस परवेज के फरार होने के बाद ATS की टीम ने 2 लोगों को हिरासत में लिया है। करीब 25 से 30 जो संख्या है ATS ऑफिसर्स की वो यहाँ पर है। आसपास के थाने की फोर्सेस को बुला लिया गया है और जो परवेश के फादर और इसके भाई हैं फुरकान और इरफान नाम के, इन दोनों लोगों को डिटेन किया गया है और इन्हें थाने में ले जाया गया है। फिलहाल परवेश के वेयर अबाउट्स के बारे में कोई भी जानकारी PFI फिलहाल नहीं दे रही है, ATS नहीं दे रही है, क्योंकि SP ATS से भी बात करने की कोशिश की गई इस मामले पर, तमाम टीवी जो रेड में इन्वॉल्व है वो चुप्पी साधे हुए हैं। ये माना जा रहा है कि PFI को लेकर के हाई लेवल ठीक है। लोकेश, मैं आपके पास वापस लौटूंगी, एक बार रुक कर लेते हैं हमारे सहयोगी निशांत का दिल्ली से। निशांत, PFI अब इसको लेकर एक बयान भी जारी कर चुका है और उसका कहना है कि हमें बेवजह प्रताड़ित किया जा रहा है, इस बारे में और क्या जानकारी मिल रही है निशांत? देखिए बिल्कुल, PFI की तरफ से ये बयान जारी किया गया है कि कहीं ना कहीं ये पूरी तरह से सरकार के इशारों पर उनके ऊपर टारगेट किया जा रहा है। लेकिन आपने पहले भी देखा होगा कि चाहे CNRC का समय हो या उसके बाद का समय हो, ये सोशल मीडिया के माध्यम से या अन्य विषयों के माध्यम से देश विरोधी गतिविधियों में शामिल रहे हैं। अब से कुछ ही दिन पहले, हम कुछ ही घंटे पहले की बात बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में बहस के दौरान जो है सॉलिसिटर जनरल ने इस बात की पुष्टि की थी कि PFI ने एक बेहद ही गंभीर समय में, यानी जब मुद्दा हिजाब का चल रहा था उस समय PFI ने यहां के लोगों को, नौजवानों को भड़काने का प्रयास किया था। और जब ये मामला सामने आ रहा है टेरर फंडिंग ट्रेनिंग कैंप के लिए, जो विषय ये सामने आ रहा है, उस दौरान भी इन पर कई बातें ऐसी सामने आ रही है और सीधे सीधे ये मानने से इनकार कर रहे हैं। PFI का जो आधिकारिक बयान आया उसमें सीधे से सरकार पर इशारा किया गया है कि उनके इशारों पर, उनके कहने पर जो सरकारी संस्थाएं हैं वो काम कर रही हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे सबूत हैं, पुख्ता इनपुट्स हैं जिनके आधार पर NIA है, ATS है और संयुक्त टीमें, राज्य की पुलिस टीमें बनाकर उन पर यह कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल जो 106 लोगों की जो गिरफ्तारी हुई है उनमें ये भी देखना होगा कि इनके तार, इनके नेटवर्क और कहां कहां से जुड़े, इनकी फंडिंग कहां से आती थी, इस्लामिक कंट्रीज हो या फिर अन्य देश हो, इसके इनके नेटवर्क कहां कहां से जुड़े हुए हैं ये देखना अभी होगा। फिलहाल आप बिल्कुल ये बातों को सही कह रही हैं कि ये अभी मानने के लिए तैयार नहीं है कि कहीं भी ये जो कार्रवाई है ये कहाँ तक है, अब देखना होगा कि आगे की स्थिति क्या रहती है। ठीक है निशांत, मैं आपके पास वापस आऊंगी। संदीप खेर भी हमारे साथ मौजूद हैं। संदीप, मैं आपका रुख करूंगी। संदीप, ये बताइए कि लखनऊ जैसी शहर से, राजधानी से अगर किसी संदिग्ध को पकड़ा जाता है, इससे पहले भी बहुत सारी कार्रवाइयां हुई हमने देखा, अगर उत्तर प्रदेश के कई शहरों में ये पैर जमा रहे हैं तो वाकई ये बहुत गंभीर विषय है। संदीप, देखिए बिल्कुल स्वाति, एक गंभीर विषय है और देखिए जिस तरीके से
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस बात को कहा था कि हमें अगर अपने देश का प्रदेश का विकास करना है तो सबसे पहले आतंकवाद की कमर तोड़नी होगी, अपराधियों को ध्वस्त करना होगा। और जो वसीम को देखिए गिरफ्तार किया गया है, इसके साथ जो अन्य लोगों को अन्य प्रदेशों से अन्य कई जगहों से गिरफ्तार किया गया है, टोटल 109 लोग लगभग, तो इन लोगों के खिलाफ बराबर इनपुट मिल रहे थे और इनके खिलाफ तमाम तरीके के कनेक्शंस को खंगाला गया है कि इनके कनेक्शन किस किस से थे। पीएफआई की देखिए बात कर लेते हैं तो इसका विस्तार तेजी से बढ़ा है क्योंकि तमाम जो इस्लामिक संगठन है, सीबी है, उसको जब बैन किया गया था तो इसके बाद लोगों का जो आकर्षण है इससे जुड़े हुए लोगों का वो इसमें हुआ है, चाहे वो सीए एनआरसी की बात हो या फिर लखनऊ में जिस दौरान एक बड़ा प्रदर्शन और आगजनी हुई थी। अब एटीएस जो है वो तमाम तरीके के दस्तावेजों को खंगाल रही है कि आखिर वसीम जो है वो किसके इशारे पर काम कर रहा था, कि या वसीम के मोबाइल फोन में भी बता रहे हैं कि कुछ तरीके की फोटोज मिली हैं, कई तरीके के पॉइंटर मिले हैं, और उसके साथ साथ इसको कमांड कौन दे रहा था, क्या ये लोग व्हाट्सएप के जरिए, मैसेंजर के जरिए, या फिर इनकी अपनी कोई एक ऐप थी जिसके जरिए ये लोग बात करते थे या किसी भी तरीके का कम्युनिकेशन करते थे। लेकिन एक बड़ी घटना को कहा जाए, एक आतंकी मतलब प्रयास को रोकने का एक बड़ा आज कह सकते हैं कि सफलता मिली है, क्योंकि वसीम देखिए जिस तरीके से बताया जा रहा है कि इसकी जो एक मानसिकता थी, क्योंकि कुछ समय पहले इसने पाकिस्तान का झंडा अपने घर पर फहराने की बात करी थी, और भी कई मामलों में इसकी जो भूमिका थी वो संदिग्ध रही थी। एक मकान इनका इंदिरा नगर में, इसके बाद एक बहुत ही बड़ा मकान जिस तरीके से बताया जा रहा है चिन्हट में है, तो पैसा कहां से आ रहा था, क्या इनको कोई फंडिंग कर रहा था, क्योंकि पीएफआई का देखिए इतिहास जो है वो सभी को पता है कि 2007 से लेकर 2022 तक का क्या रहा है, हालांकि कई बार इसको बैन करने की बात भी करी गई है, लेकिन तमाम चीज़ों को खंगाला जा रहा है। और जिस तरीके से एटीएस एनआईए और जिस तरीके से और भी जो तमाम जाँच एजेंसी हैं वो सभी अपनी रिपोर्ट देख रही है और किस तरीके से इसको आगे लेकर जाना है। और ये भी देखा जा रहा है कि जितने 109 लोगों को, चाहे वो केरल हो, मध्य प्रदेश हो, चेन्नई हो, तमाम जगहों से इनको भी गिरफ्तार किया गया, क्या इनके आपस में किसी भी तरीके के कोई कनेक्शन थे, या ये लोग जो एक ऐप को यूज कर रहे थे उसमें लोगों का किसी तरीके से, पूरे देश की अगर बात की जाए तो सिर्फ और सिर्फ इसको झारखंड में ही बैन किया गया। संदीप आपके पास मैं वापस लौटूंगी, एक बार रुक कर लेते हैं अनूप का। अनूप, सिर्फ झारखंड में ही बैन है, बल्कि देश के कई 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 हिस्सों से आवाज उठी कि इस संगठन को बैन किया जाए, लेकिन हुआ नहीं, और कई गंभीर मामले इससे पहले भी देखे जा चुके हैं। तो अब क्या लगता है कि ये कार्रवाई आगे भी की जाएगी ऐसे लोगों के खिलाफ, और मंसूबे क्या थे? सबसे बड़ा सवाल तो यही है अनूप, कि मंसूबे क्या थे इनके इसके पीछे करें तो। इससे पहले जो है हमने देखा है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जिस तरह से सीए एनआरसी को लेकर के जो है उग्र प्रदर्शन दिखाई दिया था, उसमें साफ तौर पे पीएफआई की जो भूमिका है वो सामने आई थी, कि किस तरह से पीएफआई जो है वो इस पूरे उग्र प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए जो है फंडिंग कर रहा था। इसके अलावा दूसरे राज्यों से बाकायदा जो है उपद्रवियों को यहाँ पर भेजा गया था ताकि वो जो प्रदर्शन है उसको उग्र किया जा सके, सरकार के खिलाफ जो है विरोध जताया जा सके, सरकार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही थी। और पूरी जांच के बाद ये साफ हुआ था कि इसमें पीएफआई की जो है भूमिका काफ़ी सक्रिय रही है, जिसके बाद आपको बता दूँ कि पीएफआई पे बैन के लिए राज्य सरकार ने जो है केंद्र सरकार को एक पत्र भी भेजा है, लेकिन अभी उस पर जो है विचार विमर्श लगातार किया जा रहा है। और यही वजह है कि पीएफआई की जिस तरह से सक्रियता लगातार दिखाई दे रही है, और अब जिस तरह से 106 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, और जब 106 लोग गिरफ्तार किए गए इसमें आपस में जब बातचीत की गई है, उसके बाद जो ऑपरेशन चलाया गया है वो इनपुट साफ तौर पे मिला था कि पीएफआई टेरर फंडिंग से लेकर के तमाम मामलों में जो है जो ये लोग जो गिरफ्तार किए गए हैं इनका इन्वॉल्वमेंट है, उसके बाद जो है कड़ी बाई कड़ी जोड़ी गई है और लखनऊ तक और यूपी के तमाम जो है जो जिले हैं वहां तक जो है ये टीमें पहुंची है। उसके बाद लखनऊ से गिरफ्तार किया गया। लोकेश के पास एक बार जाते हैं, हमारे सहयोगी लोकेश। लोकेश ये बताइए कि अब जो इससे जुड़े तमाम सोर्सेज हैं उनको खंगाला जा रहा है, कितना सीरियसली इसको लिया जा रहा है, अब क्या कहना है जी? पीएफआई को लेकर के जो तैयारियां की गई हैं वो यकीनन इन तीन एजेंसियों ने, स्टेट पुलिस के अलावा ईडी और एटीएस और एनआईए भी इसमें जांच पड़ताल कर रही है, तो बिना होमवर्क के इतने बड़े रेड को कंडक्ट नहीं किया जा सकता ये माना जा रहा है। जैसे हमारे सहयोगी बता भी रहे कि 106 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हुई है, तो जो एक राज्य सरकारों के द्वारा बैन करने को लेकर केंद्र सरकार को जो लिखा गया है पत्र, उस पर अब विचार विमर्श किया जा सकता है, क्योंकि इतने बड़े लेवल पर अगर रेड होती है, रेड कंडक्ट करने के बाद सबूत हाथ लगते हैं, तो उसके बाद ये माना जा रहा है कि हो सकता है कि केंद्र सरकार इस तरफ भी सोचे और पीएफआई को पूरी तरीके से भारत में सिमी को, जैसे कि एक समय पर बैन किया गया था, उस तरीके से पीएफआई को भी बैन कर दिया जाए, क्योंकि पीएफआई की संलग्नता एनआरसी में भी आई थी। अगर आपको याद हो तो हाथरस में जब नियुक्ति का
कांड हुआ था जिसमें कि इसके साथ गैंगरेप किया गया था, उस मामले में भी आया था कि पीएफआई फंडिंग कर रहा है देश की और सरकार को अस्थिर करने के लिए। तो इस तरीके का आरोप पीएफआई पर लगते गए। और सबसे हैरानी यह है कि पीएफआई का वेस्टर्न यूपी एक सेंटर बनता जा रहा है। मेरठ के अंदर इसका क्षेत्रीय कार्यालय था जिसका की अध्यक्ष यही परवेज है, जिसके यहाँ पर आज रेड कंडक्ट की गई है। फिलहाल परवेज फरार है, बताया जा रहा है सोर्सेज के थ्रू कि वो उसकी दिल्ली में गिरफ्तारी की गई है, लेकिन अभी तक पूरी तरीके से जो एटीएस उसके हाथ में नहीं आया है। उसके पेरेंट, उसके जो फैमिली मेंबर है उनको फिलहाल डिटेन किया गया है और एटीएस की एक टीम उसी गाँव के अंदर मौजूद है। माना जा रहा है कि हो सकता है कि एक या दो दिन के बाद या जब भी जो परवेज है वो वहां पर लौट सकता है। परवेज वो शख्स था जो कि भड़काऊ पोस्टर अलग अलग जगहों पर लगाने के लिए इसको गिरफ्तार किया गया था। पहले भी मेरठ में एक बार इसकी गिरफ्तारी हुई, दूसरी बार राजस्थान से गिरफ्तारी की गई है। अब तभी से ये एटीएस और एनआईए के रडार पे था क्योंकि इसी से संबंधित इसी जिस इलाके के अंदर ये रेड हुई है बोशुर थाना क्षेत्र के कलछीना गांव में, उसी से लगे हुए एक नाहली गांव के अंदर भी एक रेड हुई थी जिसमें एनआईए की टीम ठीक है ने रेड की थी। बहुत शुक्रिया लोकेश आपकी जानकारी के लिए, बहुत शुक्रिया। और संदीप का रुख करेंगे एक बार फिर से। संदीप, बड़ा सवाल ये है कि पहले दक्षिण भारत के ही कुछ हिस्सों तक ये संगठन सीमित हुआ करता था, लेकिन अब देखिए उत्तर प्रदेश से लेके बिहार तक 20 ऐसे राज्य हैं जहां पर इस संगठन का विस्तार हो चुका है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि अलग अलग जगहों से जब भी इस तरह की कार्रवाई होती तो कुछ ना कुछ ऐसे मिल ही जाता है, जिसके बाद तमाम सवाल होते हैं। सवाल ये भी है कि पैट कहाँ से हो रही है, कहाँ से इसका विस्तार हो रहा है और कहाँ से इसकी पौध जमी है, इसका भी पता लगाना बहुत जरूरी होगा। संदीप, देखिए बिल्कुल इस बात की जिस तरीके से ये बात सामने निकल कर आती है कि जब से तमाम बड़े इस्लामिक संगठन और सेबी पर जब से बैन लगा था उसके बाद ये पीएफआई नाम की जो संस्था है लगभग 2007 से है, तब से इसका विस्तार तेजी से हुआ है। तब से इसने अपने जिस तरीके से अभी आपने भी बताया कि दक्षिण भारत की बात करें जाए, उसके बाद इसने उत्तर प्रदेश में भी अपने पाँव तेजी से जमाना शुरू किए हैं। सबसे ज्यादा जो इसका देखिए वो नाम आया था वो सीएनआरसी और उसके बाद जो लखनऊ में एक आगजनी हुई थी, नदवा कॉलेज में भी जब एक प्रदर्शन हुआ था तो भी देखा गया था कि वहाँ पर भी कई लोगों के पास से इसके कुछ बैनर मिले थे, कुछ तमाम तरीके के कागज मिले थे। तो देखिए पीएफआई जिस तरीके से लगातार कह सकते हैं इस तरीके की गतिविधियों में उसका नाम आ रहा है, इसको लेकर एक कड़ी कार्रवाई की ज़रूरत है। हालांकि आज एक बड़ी कार्रवाई हुई है क्योंकि एकदम से देखिए जिस तरीके से तमाम जगहों से कई जगहों के अध्यक्षों को गिरफ्तार किया गया, उसमें चाहे पीएफआई के हों, तमाम ऐसी जगहों से जो बातें सामने आई हैं तो एक कड़ी कार्रवाई करी जा रही है। लेकिन बड़ी बात देखिए यही है कि आखिर पीएफआई को फंडिंग कहां से हो रही है और उसी के साथ साथ जो पीएफआई से जुड़े हुए लोग हैं उनका किस तरीके का कनेक्शन है, क्योंकि ये लोग देखिए एक आम जनता के बीच में रहते हैं। आज भी जिस वसीम को गिरफ्तार किया गया है उसके आसपास के लोग सकते में है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो रोज यहीं पर ही रहता था, यहीं घूमता फिरता रहता था, इसके परिवार के लोग घर में सिलाई का काम करते थे, पिता की इसकी जैकेट की दुकान थी, तो ये लोग एक आम जनता के बीच में बनके रहते हैं लेकिन इनके जो मंसूबे हैं वो लोगों को पता नहीं चल पाते हैं। जब कुछ इस तरीके की गतिविधि होती है या कुछ आतंकी घटनाएं होती तब ऐसे लोगों के नाम सामने आते हैं, लेकिन एक कड़ी कार्रवाई देखिए करी जा रही है। आज जिस तरीके से चाहे वो एनआईए हो, चाहे वो ईडी रहा हो, चाहे वो एटीएस रही हो, तमाम लोगों ने अपनी एक भूमिका निभाई है इनके खिलाफ कनेक्शन को बटोरने के लिए। अब आगे जो है वो एटीएस पूरी सारे दस्तावेजों की भूमिका को लगातार तलाशा जा रहा है, खंगाला जा रहा है, और किस तरीके की भूमिका थी इनसे जुड़े लोगों की और इनके इनके परिवार लोगों की, क्या इसमें भूमिका थी, इसका भी लगातार पता लगाए जाने की कोशिश की जा रही है। एक बार रुक करते हमारे सहयोगी अनूप का, अनूप भी हमारे साथ मौजूद है। अनूप, अगर पूरे देश की बात की जाए तो 110 जगहों पर ये छापेमारी की जा रही है, यूपी समेत 10 राज्यों में ये छापा मारा जा रहा है। उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो सवाल लगातार यही उठ रहा है कि कहां से इनकी शुरुआत हुई और किस तरीके से यहां पर ये जो पूरे संगठन है अपने पैर जमा रहे हैं। सर अनूप, देखिए बिल्कुल 110 नहीं, 111 जो है राज्य हैं जहां पर एक साथ जो है ये छापेमारी की गई है और 106 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया गया है। और ये जो गिरफ्तारी है उसकी संख्या बढ़ सकती है क्योंकि ये जो ऑपरेशन है अभी खत्म नहीं हुआ है, लगातार ये जो ऑपरेशन है वो जारी है। तो इस पूरे मामले में क्योंकि अभी बताया जा रहा है कि ईडी, एनआईए और प्लस जो है जो स्टेट पुलिस है वो इस पर काम कर रही थी, लेकिन अब जो एटीएस है वो भी इस मामले की जांच करेगी और जिस तरह से गिरफ्तारियां की गई हैं पूरा कनेक्शन खंगाला जाएगा और ये देखा जाएगा, क्योंकि पीएफआई जो टेरर फंडिंग से जुड़ा मामला देखा जा रहा है। इससे पहले भी हमने देखा था कि बड़ी संख्या में जो है जो गिरफ्तारियां की गई थी सीएनआरसी के विरोध प्रदर्शन के बाद, उसके बाद जो है पीएफआई का नाम सामने आया था और जिसके बाद एक के बाद एक
कई जो है गिरफ्तारियां की गई थी। सरकार ने कोशिश की है, लगातार जो है ये प्रयास किया जा रहा है कि पीएफआई को बैन किया जाए। जिस तरह से पीएफआई की हरकतें हैं, जिस तरह से पीएफआई का जो सरकार विरोधी जो रुख दिखाई देता है उसको देखते हुए जो है इसको प्रतिबंध करने की जो मांग है वो लगातार जो की जा रही है। सरकार की तरफ से केंद्र सरकार को लेटर भी भेजा गया है, लेकिन उस पर जो है विचार विमर्श जो है होना भी बाकी है, क्योंकि जिस तरह से पीएफआई का जो रुख दिखाई दे रहा है, लगातार इसके कनेक्शन दिखाई दे रहे हैं। और अब वसीम की जो गिरफ्तारी की गई है, साफ तौर पर ये बयां कर रहा है, क्योंकि महज जो है एक ट्रेलर का काम करने वाला बंदा, उसके पास चिनट इलाके में एक आलीशान मकान बन जाता है। इसके अलावा तमाम चीज़ें जो उसके पास से मिली हैं, तमाम जो है संदिग्ध चीज़ें जो है वो बरामद की गई हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो है वो बरामद किए गए हैं। तो अब जो टीमें हैं वो पूरा जो है नेटवर्क खंगाल रही हैं, पूरा एक दूसरे से जो जो जितनी गिरफ्तारियाँ की गई हैं उनमें जो कनेक्शन है आपस में वो जोड़ करके देखा जाएगा, और ये देखने की कोशिश की जाएगी कि आखिर इसके पीछे का मकसद क्या था। लेकिन जिस तरह से पीएफआई के तमाम जो नापाक मंसूबे जो हैं वो सामने आ रहे हैं, उसको देखते हुए जाहिर सी बात है कि पीएफआई के खिलाफ जो है एक्शन की आवश्यकता है। हालांकि पीएफआई जो है अपनी दलील दे रहा है कि वो इस पूरे मामले में जो है उसको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अगर हम थोड़ा पीछे जाएंगे तो जिस तरह से सीएनआरसी का विरोध प्रदर्शन हुआ था उसमें पीएफआई की जो भूमिका है वो काफ़ी बड़े लेवल पर सामने आई थी, कि किस तरह से फंडिंग की गई थी, किस तरह से बवाल को जो है बढ़ावा दिया गया था, किस तरह से सरकार को बदनाम करने की कोशिश की गई थी। तो ये जो तमाम जो चीज़ें हैं उनको देखते हुए यही वजह है कि ये बड़ी जो कार्रवाई की गई है, जिसमें 106 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अब उनसे लगातार जो टीमें हैं वो पूछताछ कर रही हैं। अगर यूपी में हम बात करें तो टोटल अब तक 8 लोगों को जो है गिरफ्तार किया गया है। हालांकि ये जो गिरफ्तारी है उसका आंकड़ा बढ़ सकता है, क्योंकि अभी भी जो ऑपरेशन है वो लगातार जारी है, और जो तमाम चीज़ें इनके पास से बरामद हुई हैं वो जो है उनको जो उनका जो है अब पूरे तरह से वापस आते हैं आपके पास। रविंद्र हमारे साथ मौजूद हैं शामली से, शामली में भी आज कार्रवाई हुई है। रविंद्र, अगर बात की जाए शामली की तो यहाँ पर क्या माहौल है इस वक्त? रविंद्र बिल्कुल स्वाति, देखिए देर रात से जो है एनआईए की जो टीम है वो लगातार छापेमारी कर रही है, और कैराना का जो इलाका है वहां से पीएफआई के एक सदस्य को जो है टीम ने अपने साथ जो है वो गिरफ्तार करके ले गई है। टेररिंग जो फंडिंग है, तमाम जो बातें हैं उन पर लेकर के पूछताछ की जा रही है। हालांकि इसकी जानकारी जो स्थानीय पुलिस है उसको भी नहीं दी गई थी, लेकिन एनआईए की टीम जो है रात से कई इलाकों में छापेमारी कर रही है। वर्तमान में भी जो है अभी बताया गया कि कई इलाकों में अभी भी छापेमारी चल रही है, और ये लगातार छापेमारी जो है इनकी चलती रहेगी। एक मौलाना को जो है गिरफ्तार किया गया है जो पीएफआई के सदस्य थे, उनसे पूछताछ की जा रही है, फंडिंग को लेकर के पूछताछ की जा रही है स्वाति। इसके अलावा स्वाति, जब से ये छापेमारी अभियान चला है उसके बाद से लगातार जो पीएफआई के सदस्य है उनमें जो है काफी हलचल जो है वो देखी जा रही है। इसके अलावा स्थानीय जो पुलिस है, खुफिया जो विभाग है, वो भी अब पूरी तरह से अलर्ट हो गया। इस तरह के जो लोग हैं उनकी कुंडलियां वो खंगाली जा रही है स्वाति। ठीक है संदीप का एक बार रुख करते हैं हमारे सहयोगी। संदीप, अगर पश्चिमी यूपी की बात की जाए तो पश्चिमी यूपी में इससे पहले भी बहुत जगहों पर देखा गया था छापेमारी हुई थी, कई संदिग्धों को पकड़ा गया था। कह सकते हैं कि पश्चिमी यूपी में लगातार संगठन पैर पसारता जा रहा है। देखिए बिल्कुल स्वाति, जिस तरीके से पीएफआई की अगर बात कर ली जाए, लगातार जिस तरीके से अपनी जो जड़ें हैं वो उत्तर प्रदेश के साथ साथ वो चाहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो, तमाम जगहों पर अपनी जड़ों को मजबूत कर रहा है। लेकिन देखिए बड़ा प्रयास ये है कि आखिर ये किस तरीके से मॉनिटरिंग कर रहा है, किस तरीके से ये लोगों को अपनी ओर खींच रहा है, मतलब जो भी पीएफआई से जुड़े हुए चाहे वो संगठन हो, चाहे सदस्य हो, या फिर जो इसके नए मेंबर बन रहे हैं, आखिर किस तरीके से वो लोगों को ट्रेनिंग दे रहा है, क्या उनकी एक कोई एप्लीकेशन है? क्योंकि अभी कुछ दिन पहले स्वाति देखा गया था कि दुबग्गा से भी कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया था, उनके पास से एक कुकर बम भी मिला था। अब जिस तरीके से देखिए वसीम की गिरफ्तारी हुई है और भी लोगों की गिरफ्तारी हुई, हालांकि आंकड़े अभी पूरी तरीके से क्लियर नहीं है, और ये भी कहा जा रहा है कि जो इसमें एक मास्टरमाइंड था वो शायद पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ पाया, उसको कुछ ऐसा पता चल गया। अब वसीम के मोबाइल फ़ोन को लेकर, वसीम की बातचीत कहां कहां होती थी, उसके व्हाट्सएप को लेकर, उसके बैंक अकाउंट को लेकर, उसके परिवार का बैंक अकाउंट, उसकी प्रॉपर्टी, ये सब उसने कहां से बनाई है, कहां से सामान खरीदा है, उसको कहां से सिग्नल मिल रहे थे, किस तरीके की उसको ट्रेनिंग मिल रही थी, फंडिंग कहां से हो रही थी, तमाम पहलुओं पर जांच करी जा रही है, तमाम पहलुओं को देखा जा रहा है कि क्या वो आने वाले समय में कुछ ऐसी आतंकी घटना को अंजाम देना चाहता था,
क्या वो किसी नेता को या किसी कोई भी बड़ा उद्योगपति उसके टारगेट पे था? क्योंकि देखिए कई बार देखा गया है कि तमाम इस तरीके के मामले सामने आते रहे कि ये लोग यहाँ पर रह के अपने पांव पसारते हैं और उसके बाद किसी भी घटना को अंजाम देकर वो यहाँ से चले जाते हैं। लेकिन देखिए बहुत बड़ी बात है स्वाति, जिस तरीके से ऐसे लोग आतंकी लोग एक ऐसी जगहों पर एक रिहायशी इलाकों में घनी आबादी के बीच में रह रहे हैं और इस तरीके का उनका अगर इतिहास है, इस तरीके से वो संगठन से जुड़े हैं, तो एक बड़ी घटना हो सकती है। क्योंकि वसीम के घर के जस्ट पीछे ही एक जज का मकान है जिन्होंने ज्ञानवापी मामले में अपना एक आदेश दिया था, तो बड़ी घटना है। इसको रोकने के तमाम तरीके के प्रयास किए जाते हैं, वो चाहे PFI की ओर से हो, लेकिन बस बड़ी बात यही है कि आखिर इनको ट्रेनिंग कौन देता है और जो इनको फंडिंग मिलती है वो किसके माध्यम से मिलती है, कि बैंक अकाउंट में पैसा कहाँ से आता है? क्योंकि नॉर्मल सामान्य एक टेलरिंग का काम जो करने वाला है उसके घर में तमाम तरीके की सुविधाएं हैं, वो खुद तमाम उसके पास जिस तरीके से यहाँ के लोग बता रहे हैं मोबाइल फ़ोन है, खर्चे हैं, चिन्हट में जो मकान उनका बना है, क्योंकि एक भाई इनका गुजरात में है, पिता जैकेट की उनकी एक अपनी बहुत ही पुरानी दुकान है, तो ये लोग ये देखा जा रहा है कि अपने बिजनेस के साथ साथ में PFI से भी जुड़े थे, वहाँ के तमाम निर्देशों को देखते थे। अब एक ये भी बात सामने निकल कर आ रही है स्वाति कि क्या इसके पहले वसीम ने किसी तरीके की आतंकी घटना को अंजाम दिया है, क्या ये किसी तरीके के अनक्षी कनेक्शन से जुड़ा हुआ है, टेरर फंडिंग को लेकर, तमाम मामलों को लेकर इसके परिवार से भी कहीं ना कहीं से आगे आने वाले समय में पूछताछ की जा सकती है कि आखिर आपके घर में आने वाले कौन से? आप लोग ग्राउंड जीरो से लगातार मौजूद हैं और पल पल का अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जानकारियों को साझा करने के लिए।